Hello friends, welcome back to my channel. I am Mahendrasan and today I am here with a new video of short English story, that is The Gift of Magi. This story is written by O. Henry, that is the pen name of William Sidney Potter. William Sidney Potter जब भी कोई ऐसा short story या फिर कहानी कविता लिखा करते थे तो उनका पेन नेम ओ हेनरी हुआ करता था। विलियम पॉटर का जन्म 11 सितंबर 1862 में हुआ था और उनका निधन 5 जून 1910 में हुआ। इस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और इस स्टोरी को जो है इंग्लैंड के एक लवर्स पर बनाया गया है जिनका नाम जिम और डेला है। जिम और डेला दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। जिम का कॉलेज ओवर होने के बाद उसे न्यूज़पेपर में टाइपिंग की नौकरी मिल जाती है 50 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से। वह उस दिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और जिम के लिए रिंग लेकर प्रपोज करने चला जाता है। वो डेला को प्रपोज करते हुए कहता है कि जिम, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसके जवाब में डेला कहती है, ओ जिम, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ बूढ़ी होनी चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। जिम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और डेला की उंगली में वो रिंग पहना देता है। कुछ दिनों बाद डेला और जिम दोनों शादी कर लेते हैं और किराए पर एक फ्लैट लेते हैं जिनका किराया 8 पाउंड पर मंथ होता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। देखते ही देखते न्यूज़पेपर में सेंसरशिप लग जाता है और जिम का जो मंथली इनकम है वो 50 पाउंड से 40 पाउंड हो जाता है। वो उसी अफसुर्दा हालत में जो घर की तरफ रवाना हो जाता है और जिम और डेला बात करते हुए कहते हैं कि ये बुरा वक्त भी जल्दी टल जाएगा। देखते ही देखते क्रिसमस का दिन नज़दीक आ गया था। डेला जिम को क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहती थी जिसके लिए वो काफ़ी समय से प्रेजेंट के लिए मनी सेव कर रही थी। वो अपने पर्स को जब देखती है तो उसमें मात्र 1.87 सेंट्स ही जमा किए थे जो कि एक क्रिसमस प्रेजेंट के लिए बहुत कम था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उसका आँख भर आता है और काफ़ी समय सोचने के बाद उसको अपना बाल पर ध्यान आता है और डिसाइड करती है कि वो बाल को बेचकर जिम के लिए गिफ्ट खरीदेगी। वह अपना ब्राउन हैट उठाती है और मार्केट की तरफ रवाना हो जाती है। वह एक सैलून में जाकर अपना बाल को बेच देती है मात्र 20 पाउंड्स में। 20 पाउंड्स में अपना बाल बेचने के बाद वो पूरा मार्केट जो है गिफ्ट खोजने में स्पेंड कर देती है। एंड में वो एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचती है जहां एक प्लेटिनम फॉब चेन देखती है जो मन ही मन उसको देखते हुए मन ही मन कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे जिम के लिए बना है। और ये भी कहती है कि उसके घड़ी में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वो उस दुकानदार को 21 पाउंड्स देकर वो प्लेटिनम फॉब चेन ले लेती है और बाकी के बचे 87 सेंट्स लेकर वापस हो जाती है। वो अपने कमरे में बैठकर चिंतित, हैरान और परेशान थी। वो सोच रही थी कि जब मुझे जिम देखेगा तो क्या वो मुझे उतना ही ज़्यादा प्यार करेगा जो पहले किया करता था। वो इसी चिंता में खोई हुई होती है कि उसे एक
पैरों की आवाज़ आती है जो पूरी तरह से जो है आश्चर्य हो जाती है। फिर जिम घर का दरवाज़ा खोलता है, डेला को देखते ही पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है और उसका आँख खुला का खुला रह जाता है। उसके हाथ में गिफ्ट प्रेजेंट रहता है। डेला उसको कहती है कि जिम इस तरह मुझे मत देखो, मैं अभी भी तुम्हारी जिम हूँ, मैंने बाल बेच दिया है, मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना था। वो फिर भी कुछ आंसर नहीं देता, उसी तरह शांत रहता है। डेला जिम के पास आती है और कस कर उसको बाहों में ले लेती है और कहती है इमोशनल हालत में कि मेरे बाल जल्दी बढ़ जाते हैं। फिर जिम कहता है कि ये तुम्हारा क्रिसमस प्रेजेंट है, इसे देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा रिएक्शन ऐसा क्यों था। जब वो उस रैपर को फाड़ कर देखती है तो उस गिफ्ट में सेट ऑफ कॉम्ब्स होते हैं जो डेला के बालों पर बहुत ही खूबसूरत लगता। डेला थोड़े देर के लिए बहुत ज़्यादा खुशी से चीख उठती है और फिर जिम को फिर से गले लगा लेती है। फिर कहती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए प्रेजेंट लिया है, क्रिसमस प्रेजेंट, मैं उसे लाती हूँ। वो अपना डॉरवर से वो प्लेटिनम फॉप चेन जो है लेकर आती है, जिम को देती है और कहती है कि इसे अपने घड़ी में लगाकर पहनो। जिम फिर से चुप हो जाता है और अपने हाथों को सर के पीछे रखकर बैठ जाता है। और फिर जिम कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी घड़ी बेच दी। और थोड़ी देर के लिए जो है उससे घर में सन्नाटा छा जाता है। फिर से जिम कहता है कि ये सब रहने दो, हमारे क्रिसमस प्रेजेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन वो इस वक्त के लिए नहीं है। तो उसे जिम डेला को कहता है कुछ खाने को ला, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। वो उसके लिए जो है कुछ बना कर लाती है। यह स्टोरी बिल्कुल ठीक उसी तरह है जिस तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति जिनका नाम मिजाय था, उन्होंने बेबी जीसस को एक अनोखा गिफ्ट दिया था और उन्हीं ने क्रिसमस प्रेजेंट देने का आविष्कार किया। ये दोनों कपल भी बिल्कुल उस बुद्धिमान व्यक्ति के तरह ही हैं। इन्होंने अपने प्रीशियस चीज़ जिसके लोग जो है बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे, उन्होंने अपने प्रीशियस चीज़ को जो है बेचकर एक दूसरे के लिए वो अनोखा गिफ्ट खरीदते हैं। ओके, बस स्टोरी जो है यहीं तक था। अगर आपको स्टोरी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।